यस सर, कर यस सर, कर लिया। याद हो गया है सब लोगों को? याद हो गया तभी आगे प्रोसीड करेंगे, तभी कुछ समझ में आएगा क्लास में। यस सर, रूल याद हो गए तभी आगे कुछ आज की क्लास समझ में आएगी। तो हम लोगों ने एग्जांपल कर लिए थे किसके, कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल के एग्जांपल कर लिए थे, सम डिफरेंस रूल के कुछ एग्जांपल कर लिए थे। आज एग्जांपल करते हैं प्रोडक्ट रूल के ऊपर, पहले एग्जांपल करते हैं। वाई बराबर अगर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक, इसका करना है डेरिवेटिव। डी वाई बाय डी एक्स निकालेंगे तो वो बराबर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, साइन एक्स को वैसे छोड़ दिया, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। बताओ यही था ना? यस सर। ठीक, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2x, 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, हाँ बोलो बोलो। यस सर, अगर वाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स है तो निकालना और डी वाई बाई डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को क्या बोल दिया जाए? उसका एक तो पावर चेन रूल भी तरीका है, और एक तरीका उसको साइन एक्स इंटू साइन एक्स बोल दिया जाए, है ना? एक तरीका उसको साइन एक्स इंटू साइन एक्स बोल दिया जाए। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव, दूसरा वाला साइन एक्स ऐसे छोड़ दिया, पहला वाला साइन एक्स छोड़ दिया, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव। ये क्या आ जाएगा? साइन एक्स डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, टू साइन एक्स। क्या आ जाएगा पहला वाला टर्म? पहला वाला टर्म आ जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स। बोलो बोलो। यस यस सर। वाई बराबर अगर ई की पावर एक्स एक्स इंटू ई की पावर एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? वन। तो ई की पावर एक्स बचेगा, और फिर एक्स ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? ई की पावर एक्स। चाहे तो ई की पावर एक्स कॉमन ले ले, वन प्लस एक्स आ जाएगा बाहर, ई की पावर एक्स। y इज इक्वल टू अगर x log x हो तो dy वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, एक्स का डेरिवेटिव log x को ऐसे छोड़ दिया, प्लस x इंटू log x का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव वन, तो पहला टर्म log x आ जाएगा, दूसरा टर्म एक्स इंटू वन बाई लॉग एक्स नहीं होगा, एक्स इंटू वन बाई एक्स होगा, वन बाई एक्स, तो वन हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, वन बाई एक्स होता है, यस, तो एक्स इंटू वन बाई एक्स,
कितना जाएगा वन आ जाएगा, डी बाई डी कितना जाएगा वन प्लस, ठीक है? यस सर। डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है? अगला एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव करना हो उसको हम लोग बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बोल रहे हैं, है ना? अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसे छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? टू एक्स आ जाएगा, है ना? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, वन का डेरिवेटिव जीरो, टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स कितना आ गया? फोर एक्स ले लिया कॉमन, दोनों टर्म सेम है, फोर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, बोलो बोलो। इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट रूल के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं, बताइए। ठीक, प्रोडक्ट रूल के बाद कौन सा रूल था? क्वेश्चन रूल। सब लोगों को y बराबर एफ एक्स बाई जी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर करना है, और जो न्यूमिनेटर में है उसको एफ डैश एक्स जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स करना है, ठीक है? तो कोशेंट रूल में अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स बाय इसका डेरिवेटिव करना हो तो डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा, जो भी डिनोमिनेटर में उसका होल स्क्वायर, साइन एक्स का डेरिवेटिव इंटू एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव इंटू साइन एक्स। बताओ बताओ, यही होगा ना? यस सर। ये कितना हो जाएगा? x cos x minus sin x upon x square। बोलो, x का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, है ना? यस सर। y इज इक्वल टू अगर साइन एक्स बाई कॉस एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा एज पर कोशेंट रूल, कॉस एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स का डेरिवेटिव इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को ऐसे छोड़ दिया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? ये न्यूमेरेटर वाला टर्म कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर, न्यूमेरेटर आ जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच इज नथिंग बट सेक्स स्क्वायर एक्स। ऑब्वियस बात है सेक्स स्क्वायर एक्स आना भी चाहिए, क्यों?
क्योंकि y बराबर तो tan x ही है, y is nothing but tan x, और tan x का derivative हमने पढ़ा हुआ है sec square x होता है। Yes sir. ठीक। Yes. y बराबर अगर log x by x हो तो dy by dx हो जाएगा, डिनोमिनेटर का x square log x का डेरिवेटिव इनटू x माइनस क्या x का डेरिवेटिव इनटू log x। log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वन एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। बोलो बोलिए। यस सर। y is equal to अगर x square upon x plus 1 हो, dy by dx denominator का whole square x square का derivative into x plus 1 minus x square को वैसे छोड़ दिया x plus 1 का derivative। बोलो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x इनटू x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर, x प्लस 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ सम डिफरेंस रूल भी लग रहा है इसमें, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1, x प्लस 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर ही रह जाएगा। बताओ। यस। चाहे तो और सिंपलीफाई कर ले, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x स्क्वायर हो जाएगा अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो बोलो। ये आ गया हमारा कोशेंट रूल, कुछ एग्जांपल्स कर लिए कोशेंट रूल के ऊपर। इसके बाद कौन सा रूल था, पावर चेन रूल। पावर चेन रूल, y बराबर एफ एक्स की पावर n, ठीक, तो डी वाई बाई डी कितना आ गया था, n into fx की पावर n माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स, ठीक। पावर चेन रूल के ऊपर एग्जाम्पल कर लें, y बराबर अगर साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स, हालांकि डेरिवेटिव हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल से कर दिया है ना, इसको हमने प्रोडक्ट रूल से भी किया था, इसको करने के लिए हम लोग पावर चेन रूल भी लगा सकते हैं। साइन एक्स की पावर, यहां फंक्शन क्या है जिसका स्क्वायर किया गया है, साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एस आ जाएगा, पावर है 2, 2 बाहर आ जाएगी, साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगी इनटू साइन एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव। बोलो। यस है ना,
यस सर. कितना आ जाएगा ये? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा. बोलो. यस सर. ठीक. वाई इज इक्वल टू अगर रूट साइन एक्स हो, वाई इज इक्वल टू अगर रूट साइन एक्स हो तो डी वाई बाय डी एस आ जाएगा. पावर कितनी है साइन एक्स फंक्शन की? 1/2. साइन एक्स की पावर बचेगी नहीं, 1/2 - 1 इंटू साइन एक्स फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव फिर से. यही थे ना पावर चेन रूल. तो साइन एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? -1/2. और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? cos x. ये कितना आ जाएगा? आई कैन आल्सो राइट दिस एज cos x अपॉन 2√sin x. ठीक है. ठीक है. यस सर. y इज इक्वल टू अगर 1/cos x है, तो 1/cos x इज नथिंग बट cos x की पावर -1. तो dy/dx अगर निकालना है तो फंक्शन क्या है? cos x. cos x की पावर कितनी है? -1. -1 बाहर आ जाएगा. cos x की पावर बचेगी -2 इंटू cos x फंक्शन का डेरिवेटिव. बोलो. पावर नहीं है, डेरिवेटिव का सिंबल है ये, है ना? यस सर. कॉस लैंड बना दें इसको. ये भी इसकी पावर नहीं है, ये डेरिवेटिव है ये. ठीक. कितना आ गया ये? साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. -1 कॉमन ले लिया, cos square x आ गया, और cos x का डेरिवेटिव -1 में -1 + आ गया. ये sin x अपॉन cos x इंटू 1/cos x आ गया. इज नथिंग बट sec x इंटू 10x. बोलो. yes. वन बाई कॉस एक्स तो sec x ही होता है. 1/cos x इज नथिंग बट sec x. यस सर. sec x के डेरिवेटिव हमें मालूम है कितना होता है, sec x इंटू 10x होता है. बोलो. यस सर. ठीक. y बराबर अगर x+1 1/x + 2 हो, इसको हम लोग कोशेंट रूल से भी कर सकते हैं, इसको हम लोग पावर चेन रूल से भी कर सकते हैं. अगर हम इसमें पावर चेन रूल लगाएं तो इट इज नथिंग बट x+2 - 1. तो फंक्शन क्या है? इस फंक्शन की पावर की गई वो क्या है? x+2 है. तो dy/dx हो जाएगा. क्या है रूल? n इंटू fx की पावर n-1 इंटू f'x. तो पावर कितनी इसकी? -1. -1 बाहर आ जाएगी, है ना? -1. x+2 की पावर कितनी बच जाएगी? -2. और x+2 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? ये -1
वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव कितना होगा? वन हो जाएगा इनटू वन, तो यही आ जाएगा डी वाई बाय डी। बताओ इसको हम लोग अगर कोशेंट रूल से करते तो y बराबर 1 अपॉन x प्लस 1 है, तो dy बाय dx हो जाता क्या? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव, ऊपर क्या है 1 है, तो 1 का डेरिवेटिव इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव कितना होता? जीरो, तो पूरा टर्म गायब हो जाता है ना, कितना जाता माइनस वन। एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव कितना जाता? वन। एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आ जाता डी वाई बाई डी एक्स। बोलो यस सर। अगर y इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 10 फंक्शन हो तो dy वाई बाई डी एक्स क्या होगा? जिस फंक्शन की पावर है वो फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक ठीक। जिस फंक्शन की पावर है वो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 10x, है ना? Yes, sir. तो डी वाई बाई डी एस हो जाएगा, पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, उस फंक्शन की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x का डेरिवेटिव। बोलो, तो ये आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2x प्लस 10। नहीं, अभी अभी तो अभी इसमें तो पावर कितनी करनी है, यहाँ तो पावर करनी है, यहाँ तो डेरिवेटिव है नहीं। ये पहला टर्म क्या आ जाएगा? पहला टर्म आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 10 की पावर माइनस 1/2 आ जाएगा, और सेकंड वाला टर्म क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 10x का डेरिवेटिव 2x प्लस 10। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 10x का डेरिवेटिव 10। बताओ 10x का डेरिवेटिव 10 तो कितना आ जाएगा? ये 2x by 10 to root x square plus 10x, 2 root x square plus 10x। चाहे तो उसे 2 कैंसिल कर दें, न्यूमरेटर में x plus 5 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में x square plus 10x आ जाएगा, ठीक है? बोलो। यस सर। यस सर। y is equal to 1 by y is equal to चलो sec square x का डेरिवेटिव करते हैं, तो dy by dx 2 बाहर आ जाएगा, sec x की पावर 1 हो जाएगी, है ना, इंटू sec x फंक्शन का डेरिवेटिव। बोलो। Yes, sir. sec x की पावर 1 sec x ही हो गया, और sec x फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हो गया? sec x and tan x. sec x into tan x. tan x. And this will be 2 sec square x into tan x. बोलो बोलो
यस सर, यस सर। अगर y इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव किया जाए तो अगर y इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव किया जाए तो dy बाय ds आ जाएगा टू बाहर टेन एक्स की पावर वन इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। तो जो सेक्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव है वही टेन स्क्वायर एक्स का भी डेरिवेटिव है ना? बोलो यस सर। ठीक, क्योंकि वन प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स तो टेन स्क्वायर एक्स के बराबर ही होता है तो जो टेन स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा वो वन प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। एनीवे ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्या पावर चेन रूल। लास्ट रूल है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जिसके ऊपर हम लोग बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, कौन सा है? चेन रूल। किसी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन हो, एफ एक्स कोई फंक्शन है उसके अंदर, जैसे एग्जांपल दिया था किसका, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर हो या साइन के अंदर लॉग एक्स हो या साइन के अंदर रूट एक्स हो या साइन के अंदर फाइव एक्स हो, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एस कैसे करेंगे? जो बाहर वाला फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना? जो बाहर वाला फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। बोलो, है ना? यस सर। और फिर जो उसके अंदर जो उसके उसको वैसे छोड़ देंगे और फिर जो उसके अंदर है उसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। ठीक, अब एग्जांपल करते हैं चेन रूल के ऊपर। चेन रूल हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए क्योंकि सारी आगे की चीजें चेन रूल पे ही बेस्ड हैं। पहला एग्जाम्पल y इज इक्वल टू अगर साइन टू एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? बताओ टू कॉस टू एक्स। वेरी गुड, डी वाई बाई डी एस होगा जो बाहर आया वो साइन टू एस का डेरिवेटिव इन टू टू एस का डेरिवेटिव, यही तो रूल है। अब उसके अंदर क्या है? 2x है तो जो उसके अंदर है उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। बोलो बोलो yes, yes. और साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos, साइन x का डेरिवेटिव cos x, साइन 2x का डेरिवेटिव cos x मल्टीप्लाइड बाय 2x का डेरिवेटिव 2, कितना आ जाएगा ये 2 cos 2x आ जाएगा। ठीक, बोलो यस सर।
ये नॉर्मली जो गड़बड़ी लोग करते हैं, बच्चे जो पहली बार पढ़ते हैं, उनके लिए साइन टू एक्स का डेरिवेटिव कॉस टू एक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि फंक्शन के अंदर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, साइन टू एक्स का डेरिवेटिव टू साइन टू कॉस टू एक्स हो जाएगा, जो उसके अंदर है उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर क्या 2x cos x cos x। वेरी गुड, एक स्टेप छोड़े नहीं है अभी फिलहाल के लिए, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो स्टेप को छोड़ देंगे, पहले साइन एक्स का करेंगे डेरिवेटिव, उसके बाद हम लोग जो अंदर है उसका करेंगे डेरिवेटिव। तो साइन एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कितना आ जाएगा ये 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ठीक है। यस सर, यस सर। y इज इक्वल टू अगर साइन e की पावर 2x का डेरिवेटिव करना है, e की पावर x का डेरिवेटिव करना है, साइन e की पावर x e की पावर x yes sir। सबको समझ में आ रही है बात? यस सर। अक्षय शुक्ला? यस सर। अमय? यस सर। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, कितना आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू कॉस ई की पावर एक्स आ जाएगा, ठीक है ठीक है। यस सर। वाई इज इक्वल टू अगर ई की पावर 5x का डेरिवेटिव करना, फाइव ई की पावर 5x। वेरी गुड। जो बाहर फंक्शन है, जो फंक्शन है वो e की पावर 5x है, उसका डेरिवेटिव इनटू 5x का डेरिवेटिव जो अंदर है उसके, 5x उसके अंदर है, इनटू 5x का डेरिवेटिव, ठीक, e की पावर 5x का डेरिवेटिव e की पावर 5x, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5x के डेरिवेटिव से, 5x का डेरिवेटिव 5, कितना आ जाएगा 5 e की पावर 5x आ जाएगा, ठीक। y इज इक्वल टू अगर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है तो dy बाय dx माइनस 2 e की पावर, जो पहला फंक्शन आया है वो e की पावर आया है, e के पावर अंदर जो कुछ भी हो, जो दूसरा फंक्शन है जो इसके अंदर है वो x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, सॉरी, इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, जब पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर उसको वैसे ही छोड़ देंगे, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू 2x, कितना आ जाएगा
सॉरी माइनस टू एक्स, पावर में माइनस है ना, कितना आ जाएगा माइनस टू माइनस टू एक्स इंटू ई की पावर माइनस टू एक्स। समझ आ रही बात? यस सर। ठीक, y इज इक्वल टू e की पावर साइन x, तो dy बाय डी एक्स cos x की पावर साइन x। पहला फंक्शन e की पावर साइन x का डेरिवेटिव इनटू साइन x का डेरिवेटिव, e की पावर साइन x का डेरिवेटिव e की पावर साइन x, अंदर इसको ऐसे छोड़ दिया, इनटू साइन x का डेरिवेटिव cos x। I can write this as cos x into e की पावर साइन x, ठीक है? ठीक है? Yes sir. Yes sir. Y is equal to e की पावर root x, तो dy by dx will be equal to 1/2 x की पावर माइनस 1/2 इनटू e टू द पावर रूट एक्स हो जाएगा, e की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव इनटू रूट एक्स का डेरिवेटिव, e की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव e की पावर रूट एक्स ही हो जाएगा, अंदर इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 x की पावर माइनस 1/2 आ जाएगा, व्हिच यू कैन राइट एज e root x upon 2 root x। Bolo? Yes, sir. Sine, बहुत सारे sine हो गए, cos ax plus b कितना हो जाएगा, जहां a और b कांस्टेंट हो, a is minus minus a sin ax plus b, very good, हो जाएगा cos ax plus b का डेरिवेटिव इनटू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, जो भी इस फंक्शन के अंदर है, कौन सा फंक्शन, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो वैसा ही रहेगा, ए एक्स प्लस बी वैसा ही रहेगा, पहली बार में मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी के डेरिवेटिव से, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ए कॉन्स्टेंट है बी कॉन्स्टेंट है, तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए ही हो जाएगा और b का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस a साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा dy बाई डी एक्स। बोलो यस। ठीक, 31, y इज इक्वल टू log अगर ए एक्स प्लस बी हो, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है, तो dy बाय dx निकालने के लिए log का डेरिवेटिव ax प्लस b इंटू ax प्लस b का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव अगर 1 बाय x होता है तो log ax plus b का डेरिवेटिव 1 अपॉन ax plus b हो जाएगा, जो भी अंदर उसको एज इट इज ले आएंगे, इनटू सॉरी ax plus b का डेरिवेटिव भी होगा, ax plus b का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, a a फिर से कितना आ जाएगा, ये a अपॉन ax plus b, a ठीक है, ठीक है, y is equal to अगर log of sin x,
तो डी वाई बाई डी कितना आ जाएगा वेरी गुड लॉग का डेरिवेटिव इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स तो लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय साइन एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स कितना आ गया ये कॉट एक्स आ गया कॉट एक्स बोलो बोलो यस सर y is equal to log sec x plus tan x sec square x plus sec x tan x upon sec x plus tan x and that will be equal to very good dy by dx ho jayega log ka derivative sec x plus tan x into sec x plus tan x डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होता है तो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा जो भी अंदर था वो पूरा पूरा एक्स के रूप में ट्रीट किया जाएगा तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स है लॉग के अंदर जो कुछ भी है अंदर जो भी फंक्शन है उसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे इससे ये क्या हो जाएगा sec x tan x plus sec square x बताओ sec x का डेरिवेटिव sec x tan x is equal to sec x आ जाएगा and this will be equal to sec x so sec x आ जाएगा this will be equal to common ले लेगा sec x तो tan x plus sec x आ जाएगा sec x common आ जाएगा denominator से cancel हो जाएगा बोलो बोलो ठीक वाई इज इक्वल टू अगर ए साइन ओमेगा एक्स प्लस डेल्टा हो जहां पर ए ओमेगा एंड डेल्टा आर कॉन्स्टेंट तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा तो ओमेगा अपॉन ओमेगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस ओमेगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स नहीं होगा कॉस ओमेगा एक्स प्लस डेल्टा इसका डेरिवेटिव एक कॉन्स्टेंट जो कोई फर्क नहीं पड़ता साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे ओमेगा एक्स प्लस डेल्टा ओमेगा एक्स प्लस डेल्टा का डेरिवेटिव करेंगे यही तो करेंगे ना हम लोग बताओ यस सर यही तो करेंगे ना हम लोग सर ए कॉस ओमेगा एक्स प्लस डेल्टा अपॉन ओमेगा नो सर साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा और ओमेगा एक्स का
प्लस डेल्टा का डेरिवेटिव ओमेगा हो जाएगा बस, ओमेगा ओमेगा एक्स, ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा एक्स का डेरिवेटिव ओमेगा नहीं हो जाएगा। Yes, वाई बराबर, अगर वाई बराबर टेन एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स टेन के बराबर नहीं हो जाएगा। यस सर, है ना। और डेल्टा का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, कितना आ गया ये ए ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स प्लस डेल्टा। बोलो बोलो। यस सर, ये वाला डिफरेंशिएशन हमें बहुत फ्रिक्वेंटली करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला डिफरेंशिएशन हमको करना पड़ेगा। बस ध्यान रखना है क्या, ये साइन का कॉस हो जाएगा और ओमेगा बाहर आ जाएगा। अगर वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा एक्स प्लस डेल्टा हो तो डी वाई बाई डी कितना हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा कॉस का साइन ओमेगा एक्स प्लस डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। यस सर, वाई इज इक्वल टू अगर ई की पावर माइनस एक्स हो तो डी वाई बाई डी एस कितना हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव इनटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव, है ना। e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स ही रहेगा और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये माइनस e की पावर माइनस एक्स, माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, अगर e की पावर माइनस एक्स की जगह सर e की पावर वहां पे सर एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होती, वो एक्सप्रेशन लिखा होता तो सर तब भी e की पावर दैट एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव वही पूरा वही आता। ये होता मान लो, है ना। यस सर, तो डी वाई बाई डी एस कितना होता, 2x plus 10 e की पावर x स्क्वायर प्लस 10x plus 2 into 2x plus 10, ठीक है सर। यही पूछता कि e की पावर में सर जो भी लेंगे पावर में रहेगा, पावर में जो है पावर में वो रहेगा पावर में, ठीक है। यस ठीक, y इज इक्वल टू साइन के अंदर log x, cos log x upon x upon x, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। पहले साइन फंक्शन का डेरिवेटिव जो अंदर है उसको ऐसे छोड़ दिया, log x अंदर है कुछ भी अंदर उसको ऐसे छोड़ दिया, आर्गुमेंट में जो भी उसके उसको छोड़ दिया, इनटू log x का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, लॉग एक्स आ गया इनटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स आ गया, कितना आ गया कॉस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स आ गया, ठीक है, ठीक है। सर अगर log x की जगह x के अंदर और कुछ सा एक्सप्रेशन होता तो हमें उस एक्सप्रेशन का भी सर फिर डेरिवेटिव लेना है। अगर y is equal to sin log के अंदर अगर होता
एक्स स्क्वायर, इसी ऑर्डर में बढ़ते हैं हम लोग, डी आई बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाता, उसको अंदर हम ऐसे छोड़ देते, अंदर जाते लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर हो जाता, वन बाय एक्स स्क्वायर हो जाता, और उसके अंदर जाते एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स हो जाता। इसलिए इसको हम लोग आउटसाइड इनसाइड रूल भी बोलते हैं। हम बाहर से अंदर की तरफ मूव करते जाएंगे, जो जो फंक्शन आएंगे उसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे, फंक्शन के आर्गुमेंट को वैसे छोड़ देंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो साइन लॉग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर गए लॉग एक्स पे, लॉग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लॉग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स होता है, तो लॉग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वन बाय एक्स। फिर अंदर गए एक्स स्क्वायर पे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो 2x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आई बात? बोलो। यस सर। सर ये एक बार फिर से बता दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हूँ। आउटसाइड इनसाइड रूल जो है वो सिंपली हम जैसे जैसे फंक्शन हम बाहर से अंदर जा रहे हो मिलते जा रहे हैं, उनको डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं, उनको आर्गुमेंट को वैसे छोड़ देंगे। तो साइन साइन लॉग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है तो पहले साइन का किया, साइन का कॉस हो गया, कॉस के अंदर जो कुछ भी उसको वैसे छोड़ दिया, फिर लॉग का कर दिया, लॉग के अंदर जो कुछ भी उसको वैसे छोड़ दिया, लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, लॉग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वन बाय एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर पे गए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स। ठीक, फाइनली बात कर लेते, मान लो e की पावर एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता तो वैसे रह गया, मल्टीप्लाइड बाय e की पावर x का डेरिवेटिव कितना आ गया, e की पावर x इनटू e की पावर x आ गया। समझ में आई बात? यस यस सर। ठीक है, चलिए। तो ये हम लोगों ने 40 एग्जाम्पल 40 एग्जाम्पल्स किए हैं इन 6 रूल्स के ऊपर। सबसे ज्यादा एग्जाम्पल किसके ऊपर किए हैं? चेन रूल। करीबन हम लोगों ने स्टार्ट किया था 23 से लेके मतलब 17 एग्जाम्पल हम लोगों ने चेन रूल के ऊपर किए हैं। अब इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है, सब समझने वाला है। ठीक है, अभी क्लास में बैठ के अगर आपको लग भी रहा है कि हाँ आपको समझ में आ गया है, और आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब भूल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ समझाने वाली इसमें नहीं है कि अच्छा इसमें ऐसा करना है ऐसा करना, जो समझाना था मैंने समझा दिया है, आपकी मेमोरी में होनी चाहिए सारी बातें। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं चैप्टर है जिसको आप यहाँ करके भूल जाओगे फिर एक एग्ज़ाम से पहले पढ़ लोगे, यहाँ भूल जाओगे तो आगे कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे वाले चैप्टर्स में जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, वहाँ कैलकुलस का इस्तेमाल होगा, डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए। आपको डिफरेंशिएशन करना नहीं आएगा तो आप वैसे ही सवाल नहीं कर पाओगे, कुछ कोई भी सवाल आपसे नहीं होगा। तो इन सारे एग्जाम्पल्स की अच्छी तरीके से आज ही प्रैक्टिस करके उसको निपटा देंगे। ठीक है, मैंने भी एग्जाम्पल दिए, 10 फॉर्मूले हैं और 6 रूल हैं। 10 फॉर्मूले और 6 रूल आते हैं तो आप किसी भी फंक्शन को कर लेंगे डिफरेंशिएट, सिंपल फंक्शन हो, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो जाएगा डिफरेंशिएट।
है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझा होना चाहिए। अच्छे तरीके से समझने का तरीका यही है कि आप उन चीजों को बार बार करें, बार बार एग्जाम्पल करें, ठीक है। अब जैसे आप अगर कोई जब मैथ्स में पढ़ोगे तो हमने 40 एग्जाम्पल करा है, वहां पे आप 400 एग्जाम्पल करोगे, तो वहां पे जब 400 एग्जाम्पल खुद करोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास स्कोप लिमिटेड है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल तो नहीं करवा सकते, एक लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जाम्पल ही करवा सकते हैं, सॉल्ड एग्जाम्पल है ना, बाकी एग्जाम्पल हमारी बुकलेट में दिए हुए हैं, वो एग्जाम्पल करने हैं डीपीपी में दिए हुए हैं, ठीक है। अब सुनिए, जो चेन रूल है उसको देखने का एक और तरीका है, जो कि वो भी अच्छा तरीका है। चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, वो हमको आना चाहिए अच्छी तरीके से। चेन रूल क्या था? ये था, है ना? Yes. तो एक काम कर सकते हैं कि लेट अस से यहां पे एक नया वेरिएबल मान ले यू, यू को बोलने जीएस के बराबर, ठीक। तो एज पर दिस रूल वाई बराबर क्या हो गया? एफ ऑफ यू हो गया। y बराबर क्या हो गया? f ऑफ u हो गया। और dy by ds क्या हो गया? f dash of u into u dash। g dash का मतलब क्या हो गया? u dash हो गया ना, बोलो। yes sir, basically ये बात ये हो रही है कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा दैट कैन बी रिटन एज डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स है या नहीं है? भाई डी यू गायब हो जाएगा, डी यू गायब हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स तो बच जाएगा। अब अगर y बराबर fu है, y बराबर अगर fu है तो dy वाई बाई डी यू वाई बराबर fu वाले फॉर्मूले से dy वाई बाई डी यू हम पहले निकाल लें, ठीक। और u बराबर अगर gx है तो u बराबर gx वाले टर्म से हम डी वाई डी यू बाई डी एक्स निकाल दें, कितना हो जाएगा? ये सेकेंड वाला टर्म निकाल दें, डी यू बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी यू। डी वाई बाई डी यू पहले वाले फंक्शन को करता है डिफरेंशिएट, डी वाई बाई डी यू पहले वाले फंक्शन को करता है डिफरेंशिएट, और डी यू बाई डी एक्स दूसरे वाले फंक्शन को करता है डिफरेंशिएट। डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? यू डैश हो जाएगा, बोलो। तो ये भी एक तरीका है चेन रूल को देखने का, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आएगा। दो तीन एग्जाम्पल कर लेते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। पहला वाला फंक्शन देखते हैं, वाई बराबर ई की पावर एक्स। तो हमने बोला लेट अस से ई की पावर एक्स इज यू, तो वाई बराबर कितना आ गया? ई की पावर यू आ गया, बोलो बोलो। यस सर, यस सर। अगर हमने e की पावर x को u बोल दिया तो y बराबर कितना आ गया? e की पावर u आ गया। अब अगर y बराबर e की पावर u है तो इससे कैन वी फाइंड डी वाई बाई डी यू। यू कुछ भी हो, u एक वेरिएबल है, जैसे x था यहाँ पे u है, dy by du कितना हो जाएगा? e की पावर u ही हो जाएगा ना, बोलो। yes, yes, sir. और अगर u बराबर e की पावर x है, अगर u बराबर e की पावर x है, इससे
कैन वी फाइंड डी यू बाई डी एक्स? कितना हो जाएगा? पावर एक्स हो जाएगा भाई। वेरिएबल से क्या फर्क पड़ता है, वाई ले रहे हो या यू ले रहे हो? अब देखो इधर, इससे हम लोगों ने डी वाई बाई डी यू निकाल दिया, इससे हम लोगों ने डी यू बाई डी एक्स निकाल दिया। हमें निकालना क्या था, लेकिन निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, हमें निकालना क्या था, लेकिन निकालना था डी वाई बाई डी एक्स। बोलो बोलो। यस सर। डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा? तो दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर दें, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, किसको? डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो डी यू कैंसिल हो जाएगा। डी वाई बाई डी यू किसके बराबर है? ई की पावर यू के बराबर है। डी यू बाई डी एक्स किसके बराबर है? ई की पावर एक्स के बराबर है। और u किसके बराबर है? अब u को रख दिया हमने e की पावर x, तो वही आ गया ना जो पहले आया। बोलो बोलो। यस सर। जैसे यहाँ पे हमको करना डिफरेंशिएशन, तो हमने y बराबर साइन u बोल दिया और u बराबर क्या बोल दिया? u बराबर क्या बोल दिया? log x, log x, ठीक ठीक। अब पहले वाले फंक्शन से डी वाई बाई डी यू निकाल दिया, डी वाई बाई डी यू कितना आ गया? साइन u, cos u, cos u, साइन u का डेरिवेटिव cos u होगा ना? यस सर। और दूसरे वाले फंक्शन से डी यू बाई डी एक्स निकाल दिया, डी यू बाई डी एक्स कितना आ गया? 1 by x। हमें ना डी वाई बाई डी यू निकालना था ना हमें डी यू बाई डी एक्स, हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकाला जाए? मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 by x into cos u, और u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू log x के बराबर है, ठीक है ठीक है। ऐसे यहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है x square plus 10 x plus 10 का, y बराबर e की पावर u मान लें, u बराबर क्या मान लें, क्या मान लें? x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 मान लें। पहले वाले फंक्शन से dy by du मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा dy by du? अगर y बराबर e की पावर u है तो dy by du कितना होगा? u, e की पावर u होगा। और अगर u बराबर x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 है तो du by ds कितना हो जाएगा? 2x plus 10, 2x plus 10 हो जाएगा। अब हमें निकालना है dy by ds, कैसे निकालेंगे dy by dx? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? क्या आ जाएगा? e की पावर u into 2x plus 10, 2x plus 10 e की पावर u। ये क्या है? ये e की पावर u कितना है? u बराबर, तो इसी के ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यही चीज आ जाएगी वापस। बोलो। यस सर। y बराबर e की पावर माइनस x, तो y बराबर e की पावर u बोल देते हैं, u बराबर माइनस x बोल देते हैं, तो dy बाय du बराबर e की पावर u, du बाय dx बराबर कितना? अगर u बराबर माइनस x तो du बाई डी एक्स बराबर, अगर y बराबर x तो dy बाई डी एक्स बराबर 1, अगर y बराबर माइनस x तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 1, अगर u बराबर माइनस x तो du बाई डी एक्स बराबर कितना सर? माइनस 1, माइनस 1, ठीक।
तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, डी वाई बाई डी यू है ये, डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोलो बोलो कैसे बता दीजिए। सुनो सर, अगर y बराबर log sin x तो लेट अस से y बराबर log u, ठीक, y बराबर log u और u बराबर क्या sin x, sin x। तो अगर y बराबर log u तो डी वाई बाय डी यू बराबर, अगर y बराबर log x तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर वन बाई यू, वन बाई एक्स, y बराबर log u तो डी वाई बाय डी यू बराबर, डी वाई बाय डी यू बराबर सर वन बाई यू, वन बाई यू, और u बराबर sin x तो डी यू बाई डी एक्स बराबर cos x, cos x। तो व्हाट विल बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस इनटू दिस, बोलो बोलो है या नहीं भाई, डी वाई बाई डी वाई बाई डी यू है ये, डी वाई बाई डी यू है ये, डी यू बाई डी एक्स है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा ये कॉस एक्स अपॉन यू, और यू किसके बराबर था, साइन एक्स के बराबर था, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ही तो आ गया, बोलो। इसी वाले एग्जांपल में यू बराबर क्या मान लिया जाए, वाई बराबर लॉग यू मान लिया जाए, इसका डेरिवेटिव का हमें मालूम है फॉर्मूला, u बराबर क्या मान लिया जाए, sec x plus tan x मान लिया जाए, ठीक। तो अगर y बराबर log u मान लिया गया, अगर y बराबर log u मान लिया गया तो dy by du कितना आ जाएगा, 1 by u, 1 by u आ जाएगा, और अगर y u बराबर sec x plus tan x मान लिया गया तो du by ds कितना आ जाएगा, sec x tan x plus sec square x, sec square x, बोलो बोलो, ठीक है, यस सर, यस, मल्टीप्लाई करो को वही आ जाएगा ना, बोलो बोलो, यस सर, ठीक है, चल। तो समझ में आया ये अभाव, यस सर, हाँ ये सर आगे 40 एग्जांपल करवाए हैं, ठीक, एग्जांपल और भी बुक में है, आपको करना ही करना है, आप इनको ठीक तरीके से कर लेंगे तो आपका फिर डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में कोई कमी नहीं रहेगी। सवाल फिजिक्स के सवाल करते वक्त आपको डिफरेंशिएशन से आप बच नहीं सकते, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, आप डिफरेंशिएशन से बच नहीं सकते, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा वहाँ, ठीक है, ठीक है। हम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं इन 40 एग्जांपल्स की, उसके अलावा जो एग्जांपल हमारे बुकलेट में दे रखे हैं, हमको याद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप अभी याद करके छुट्टी नहीं कर देंगे अच्छे तरीके से तो फिर आगे आपको दिक्कत होती रहेगी, हमेशा आपको दिक्कत होगी, लगातार 2 साल दिक्कत होगी आपको, जब तक आप मैथ्स में ना पढ़ते पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। Yes. अब आते हैं अगले टॉपिक पे,
and that is differentiation of implicit functions. ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. आप थोड़ा सा बताएंगे, अगली क्लास फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ से. इसमें ये पूरी तरीके से चेन रूल के ऊपर बेस है, बेस्ड ऑन चेन रूल. अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, जो एक्सप्लिसिट ना हो उनको बोलते हैं इम्प्लिसिट, जिसमें क्लियर कट वाई और एक्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं दे रखी हो. व्हेन रिलेशन ऑफ वाई विथ एक्स इज नॉट क्लियर, हम उनको बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन. जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई हो, ऑब्वियस बात है ये भी एक फंक्शन है, x और y में कुछ तो रिलेशनशिप है ना, बोलो, x और y में कुछ तो रिलेशनशिप है. यस सर. वो रिलेशनशिप हमको क्लियर नहीं है क्या है. लेफ्ट हैंड साइड में भी वाई है, राइट हैंड साइड में भी वाई है. ये एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टेन वाई बराबर जीरो. ठीक है, तो वाई एक बार वाई स्क्वायर का भी टर्म है, एक बार वाई का भी टर्म है. ये भी एक रिलेशनशिप है एक्स और वाई के बीच में, लेकिन क्लियर कट हम वाई की वैल्यू शायद डायरेक्टली, है ना, वाई की वैल्यू शायद डायरेक्टली हम ना निकाल पाए एक्स अगर हमें मालूम हो. इम्प्लिसिट मतलब होता है जो चीज थोड़ी सी हिडन हो, छुपी हुई हो. तो वाई और एक्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा हिडन है ना. एक्स की वैल्यू मालूम होने के बाद भी वाई की वैल्यू निकालना मुश्किल काम होगा. ये डायरेक्टली मशीन नहीं जिसमें एक्स इनपुट करेंगे वाई की वैल्यू मिल जाएगी. बोलो. थर्ड एग्जांपल, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा. नो डाउट वाई और एक्स के बीच में रिलेशनशिप है, और इन सारे जो फंक्शन बना रखे हैं इनके कुछ ना कुछ ग्राफ भी होंगे, इनके कुछ ना कुछ ग्राफ भी होंगे, लेकिन वो ग्राफ क्लियर कट हमारे सामने नहीं है, है ना. ग्राफ बनाने वाला काम काफी मुश्किल काम होगा. इन सारे फंक्शंस को अगर आप किसी ग्राफ प्लॉटर में डालोगे तो एक ग्राफ आपको मिल जाएगा. ठीक है, बोलो. तो ये क्लियर कट रिलेशनशिप हमारे पास नहीं है. जैसे एग्जांपल के लिए, कैन एनीवन टेल मी इस वाले फंक्शन का ग्राफ क्या होगा. कैन एनीवन जस्ट मेक ए गेस, जस्ट गेस करें इस वाले फंक्शन का ग्राफ क्या होगा. आप लोग 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ोगे मैथ में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये वाली इक्वेशन एक सर्कल की इक्वेशन है. ये इक्वेशन एक सर्कल बता रही है, इसका ग्राफ एक सर्कल होगा अगर वाई और एक्स को प्लॉट किया जाएगा. एनीवे, तो ऐसे इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो, लेट अस से, हां, अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर के फॉर्म में. आर स्क्वायर के फॉर्म में तो नहीं है, इसमें इसमें 5x प्लस 10 है. ये भी एक सर्कल है, ठीक है, ये भी एक सर्कल है. ठीक है, देखो सर, अब
ऐसी किसी इक्वेशंस को अगर डिफ्रेंशिएट करना, हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब बेसिकली उस ग्राफ का हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है किसी पॉइंट पे, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है यहाँ पे। वी हैव टू फाइंड क्या डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन करना एक ऑपरेशन है ना, एंड एनी इक्वेशन कैन बी, अगर वो इक्वेशन वैलिड इक्वेशन है इट कैन बी डिफरेंशिएटेड। उसको डिफरेंशिएशन करने के बाद जो नई इक्वेशन मिलेगी वो भी ट्रू इक्वेशन हो, वो भी ट्रू इक्वेशन होगी, वो भी सही इक्वेशन होगी। एनी इक्वेशन कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक। बोलो ठीक। जैसे इसी वाली इक्वेशन में अगर उसको हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। पहली बात, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी इक्वल टू क्या, एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स अपॉन स्मॉल चेंज इन एक्स कितना हो जाएगा, वन, वन हो जाएगा, ठीक। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स स्क्वायर अपॉन स्मॉल चेंज इन एक्स कितना हो जाएगा, एक्स, 2x हो जाएगा। अरे x स्क्वायर को y मान लेना यार। अच्छा, लेट अस से y बराबर x स्क्वायर है ना, लेट अस से y बराबर x स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम बोल रहे हैं कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dy बाय dx से तो पूछ रहे हैं, dy बाय dx कितना होगा, 2x है ना। साइन एक्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब डी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, से वाई बराबर साइन एक्स हो तो ये किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स की तो बराबर है, किसके बराबर हो जाएगा ये, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, ये तो हमने यही तो पढ़ा हमने अभी तक है ना, यही तो पढ़ा अभी तक। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, एक्स स्क्वायर को हमने वाई बोल दिया तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहे हैं। साइन एक्स में होने वाला थोड़ा सा चेंज अपॉन साइन एक्स अपॉन डी एक्स है ना, उसके अलावा अगर मैं बोलूं y डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ये कितना हो जाएगा, अरे यही तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यस सर यही तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स है ना, Yes. y में होने वाला थोड़ा चेंज अपॉन x में होने वाला थोड़ा चेंज, ठीक। अगर मैं बोलूं x डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ये कितना हो जाएगा, dx अपॉन dy, dx अपॉन dy, dy हो जाएगा। अगर मैं बोलूं y स्क्वायर डेरिवेटिव With respect to y कितना हो जाएगा, dy square upon dy। चलो ये दो चीजें आप लोग खुद सोच के आना पक्का पॉजिटिवली अगली क्लास में,
इनके आंसर क्या होंगे, अच्छे तरीके से उसको सोच के आना इसके आंसर क्या होंगे। मैंने क्या बोला कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करना थोड़ा मुश्किल लगता है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है, इन फंक्शन को डिफरेंस करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगी, लेकिन कुछ बेसिक बातें अगर आप अपने आप सोच लें आपको क्लियर हो जाए तो फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, फिर कल की क्लास में मिलते हैं हम लोग। ओके, यस यस सर, थैंक यू सर। जो पढ़ाने में जितने एग्जांपल दिए 40 एग्जांपल दिए उनको अच्छी तरीके से करना है, अच्छे तरीके से करना है। यहाँ भूलने का ऑप्शन आपके पास नहीं है, वरना दिक्कत आगे होगी, फिर मैं फिर आप लोग बोलोगे हमें ये नहीं समझ में आता, हमें वो नहीं समझ में आता, क्या समझ में आता, सवाल नहीं होते हमसे। ठीक है, तो ये दिक्कत अभी ही सॉल्व कर लें, थोड़ा तो इनपुट देना ही पड़ेगा, अभी इनपुट दे दोगे तो आगे बहुत फायदा होगा, बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है फिर, ओके बाय, थैंक यू सर।